मैं मास्टर सराफत हुसैन। इस वक्त नगीना में हूँ और नगीना में भी लाइन पर रेलवे स्टेशन पार और कालाखेड़ी रेलवे फाटक से है। ये सामने रेलवे स्टेशन है, इस सामने रेलवे स्टेशन है, आपको दिख रहा होगा, रेलवे स्टेशन है। वहाँ से इधर ये चक्की है, सेलर है, कालाजी का सेलर है। यहाँ पर एक शानदार बिल्डिंग बनी है, बराबर में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है ये। मकसद ये है, जाहिर है रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है, ये रोड और चौड़ी होगी रेलवे की तरफ से। कहाँ कितनी क्या करेगी सरकार जाने, रेलवे स्टेशन है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर 4 गाड़ियों के निकलने की जगह मौजूद है। दोनों तरफ बिल्डिंगें बनी हैं। ये कालाखेड़ी फाटक के सामने जो है रेलवे स्टेशन, उसको कालाखेड़ी फाटक बोलते हैं। ये सामने गाड़ी खड़ी है, ठीक इसके पीछे से बराबर से राइट की तरफ को रास्ता मुड़ा है और वो रास्ता बिजनौर से आने वाली रोड नगीना को, बिजनौर रेलवे फाटक बोलते हैं उसे, रेलवे फाटक है, बिजनौर वाला बोलते हैं इसे। ये वहाँ ये बिल्कुल पास में ही है, करीब 50-60-70 मीटर होगा लगभग। और यहाँ पर जब इधर का फाटक बंद हो जाता है तो सारा ट्रैफिक यहीं पार करते हैं। अभी भी देखिए वाहन खड़े हैं, कई वाहन खड़े हैं देखिए आप, और बस ट्रक हर चीज़ों को निकल जा रही है। देखिए एक सेलर ये चल रहा है यहाँ पर, जिस प्लॉट को मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक इस सेलर के ठीक बराबर में है। और वो प्लॉट जो है ये प्लॉट है, यहाँ से सीधी दीवार है, देखिए ये सीधी दीवार है, ये सीधी दीवार है। देखिए श्रीमान जी, कहने का मकसद और मतलब जो है हमारा सीधा ये है, जिस जमीन की बात हम कर रहे हैं वो चौड़े रास्ते पर है, लाइन पार बोलते हैं इसे। और मैं अब आपको अंदर की तरफ को दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने जो प्लेन दीवार है, ईंटों वाली बगैर प्लास्टर की दीवार है, इस दीवार से फ्रंट साइड 32 फीट 1 इंच है फ्रंट हाईवे जो मेन रोड है ना उसमें, और जहाँ ये फ्लेक्सी लग रही है इसका ठीक जो पश्चिम का कोना है, यानी कि पर हमसे दूसरी तरफ का जो कोना है वो ऊपर ईंट रखी है, वो यहाँ से उसका वो आया है। और यही चीज़ हम आपको बैक साइड से दिखाएंगे, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। तो ये है वो ईंट रखी हुई जो बाहर से दिखा रहे थे, और ये इसकी निशानी है, लगी हुई मार्क लगा रहा है। यहाँ से पश्चिम साइड में यानी कि मकान की तरफ को ये पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये निशानी जो चली गई है इस तरह गई है, मकान से बाहर है। देखिए ये निशानी आई है,
वहाँ से यहाँ तक है निशानी पूरी आई है, ये निशानी है। यहाँ तक है, यहाँ से बैक साइड ये यहाँ तक चलेगी। डॉक्टर साहब आइए जरा मिनट को, पीछे की साइड बैक साइड इस जो मेरे ये निशानी है इससे 21 फीट 4 इंच से इस दीवार तक, और ये शुरू से लेके यहाँ से लेके सड़क तक तो कितनी होगी जी? 122 फीट गहरी है, 122 फीट की यह है, 32 फीट एक इंच चौड़ाई होगी हाईवे पर, सॉरी फ्रंट साइड, और ये 21 फीट 4 इंच। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है, ये हमने आपको बताया कि ये है मापदंड नापतोल भूमि की। इस भूमि में ये मलबा से ये जो मकान है ये शामिल नहीं है। कोई इसको लेना चाहेगा तो इससे मालिकों से बात करेंगे तो मालिक इसके पैसा अलग होंगे या ये अपना हटा लेंगे। बहुत सारी ईंटें इसके अंदर, ये इसके मुद्दे में बात करूँगा। इस वक्त ये इतना प्लॉट जो है ये 363 वर्ग गज है टोटल ज़मीन जो है, ज़मीन भूमि 363 वर्ग गज। अगला फ्रंट हो गया 32 फीट 1 इंच और पीछे हो गया हमारा 21 फीट 4 इंच। और लंबाई कितनी हमारी? लंबाई 122 फीट जो भी है ना। ये अब इत्तेफाक से मेरे पास दोनों मालिक बैठे। देखिए हजरात, इस घर के जो बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, सब पूरे परिवार सबसे बड़े हैं, वो डॉक्टर सैफ अहमद साहब हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं। अब चूंकि लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा था, वो भ्रम देखिए अल्लाह करम है कि दूर हो गया है जी। बताइए कैसे क्या क्या बता रहे हैं इसके बारे में, मतलब ये कितनी है आपको याद है? क्या लंबाई चौड़ाई क्या याद तो आपको? 122 इधर है, 126 इधर है ये। हाँ ठीक, इस अब इनमें आपस में आप भैया में आप में वाद विवाद तो नहीं कोई है? वाद विवाद तो नहीं कोई? कोई वाद विवाद ना, जब सुलझ गया तो सुलझ गया मामला, खुशी खुर्रम दोनों आदमी इस मसले को निमट गया है नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी लेगा तो अपनी नापतोल में वो कुछ भी बनाए, अपना मकान बनाए, कारखाना लगाए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? मकान बनाया कोई कारखाना लगाया कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा इंटरव्यू मत लो। अच्छा हाँ जी डॉक्टर साहब, तुम अपना काम करो जी। अब ये बताओ आपस का सोलेशन नामा तो हो गया? जी जी जी। अच्छा तो आप बेच रहे हैं इसको? जी। कोई भी लेगा किसी भी तरह की बात करेगा तो आप उनसे बात तो करेंगे? हाँ। अपना मोबाइल नंबर बता दो। 98-60-54-94 मेरा ये कहना है कि ये मलबा तो इसमें नहीं है ना? मलबा नहीं है, मलबा नहीं है, खाली ज़मीन बेचेंगे आप है ना, जो भी लेगा ले लेगा आदमी, नहीं ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं मास्टर सलाफत हुसैन आपसे बता रहा हूँ कि उनका आपसी विवाह जो था वो ख़त्म हो चुका है, नक्शा है बाकायदा तौर से, सहमत है दोनों आदमी, और जो है जिस किसी को लेना हो आराम से ले लीजिए। मैं नक्शे की आपको फोटो दिखाता हूँ, देखिए ये वो है, ये ऐसा कर ये फ्रंट है, ये तो है फ्रंट लिखा हुआ है, हाँ है नी, ये तो फ्रंट है, और ये बैक साइड हुई लंबाई हुई। बड़ा अच्छा मौके का है, बड़ा मौके की जगह है, जो भाई लेना चाहे ले लीजिए। देखो शादी, यहाँ से जो ये रोड जो है नगीना बिजनौर वाली रोड मिलती है, और यहाँ से ये बिजनौर जो है वो 30 किलोमीटर है, और ये हाईवे बराबर में गया है निकल के, फोर लेन ही तो है बराबर में, थोड़ी दूर में ना, यहाँ बराबर में तो है 74 पुराना वाला पुराना हाईवे, और कुछ दूर चल करके है वहाँ पर फोर लेन, ऐसे ही जब फाटक पार करते हैं 74 मिल जाता है, और आगे जा करके जो नेशनल हाईवे है ही कुल मिला करके बहुत अच्छा मौके का प्लॉट है।
जो भाई लेना चाहे फायदा रहेगा ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर वाहनों का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है, खूब गाड़ी आती है। मैं मास्टर सलाफत हुसैन आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने भी और भी कोई साथी लोग अपने प्लॉट मकान दुकान मेरे माध्यम से लोगों तक तो पहुँचाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर 97-56-28-67-51 पर मुझसे बात करें। और सारा प्रॉपर्टी 50 मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।